आप स्ट्रेस मत लीजिएगा, मेरी दामिनी जी से बात हो गई, अब कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा हमको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, बट नथिंग टू वरी अबाउट इट। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, जस्ट इन केस अगर फैसला हमारे फेवर में नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग वहां पर फाइल करेंगे केस। मैंने कुछ गलती की नहीं है तो फिर हम लोग क्यों डरे, है ना? आप लोग कोई स्ट्रेस मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। बेटा प्लीज प्लीज ऐसी नेगेटिव बातें मत कर। नहीं करीना बो, मैं पॉजिटिव बातें कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। अब जो भी फैसला आएगा हम उसमें हाकी बंद करके हम लोग अवॉइड तो नहीं कर सकते ना, दूसरा रास्ता तो हमको निकालना पड़ेगा ना, पर आप लोग चिंता मत करो, आप लोग चिंता करोगे ना मेरी मेरी हिम्मत टूटेगी। प्लीज रोइए मत, मैं आपको अर्जुन मैं जानती हूं, कल मैंने तुम्हें काफी कुछ सुना दिया, मन में जो आया तुम्हें कह दिया, बहुत नाराज थी ना तुमसे इसलिए बहुत कुछ बोल गई, लेकिन आज मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, एक ही चीज बोलूंगी, प्लीज प्लीज मेरी मेरी बेटी को छोड़ छोड़ दो, ये केस वापस ले लो, मेरा बेटा निर्दोष है, वो ऐसा गलत काम कभी कर ही नहीं सकता। अर्जुन हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पे दया खाओ, ये केस वापस ले लो, मैं तुम दोनों को भाइयों की तरह देखना चाहती हूँ, ऐसे दुश्मनों की तरह नहीं। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ उसका कुछ मतलब भी बनता है या नहीं। अर्जुन मलकानी, अब आप ऐसे गुस्सा करेंगे तो क्या फायदा रहेगा, कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट हमें ये तो समझ में आ गया ना कि ऐसी घड़ी में हमारे साथ कौन खड़ा है, हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते ना कि हमारा केस लड़े, उन्होंने जो करना था उन्होंने कर दिया, अब हम वो करेंगे जो हमें सही लगता है।